श्री देवाधिदेव मदन मोहन सरकार के सिद्ध चैतन्य दरबार में 31 मई से श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन होगा, जिसमें संत श्री रामकिशोर दास जी द्वारा संगीत में श्रीमद् भागवत कथा की जाएगी। एंकर 20 सीएम के गृह जिले सीहोर से 65 किलोमीटर दूर कान्याखेड़ी दूधी परियोजना को स्वीकृति करवाने के लिए सैकड़ों किसानों ने 24 गांवों में इच्छा मृत्यु के आवेदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से भरवाए जा रहे हैं। इसके बाद यह आवेदनों की रजिस्ट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी जाएगी। सिरोंज में लगभग 50 वर्ष बाद श्री मदन मोहन सरकार मंदिर के प्रांगण में सरकार के समक्ष बैठकर श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस उपलक्ष्य में 31 मई गुरुवार को श्री मदन मोहन सरकार मंदिर में विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो कि मुख्य मार्ग से होती हुई रामलला सरकार की परिक्रमा करते हुए पुनः मदन मोहन सरकार मंदिर पहुंचेगी। सिरोंज से अब्दुल अलीम की रिपोर्ट। सीएम के गृह जिले सीहोर से 65 किलोमीटर दूर कान्याखेड़ी दूधी परियोजना को स्वीकृति करवाने के लिए सैकड़ों किसानों ने 24 गांवों में इच्छा मृत्यु के आवेदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से भरवाए जा रहे हैं। इसके बाद यह आवेदनों की रजिस्ट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी जाएगी। किसान 20 साल से कान्याखेड़ी डैम की मांग को लेकर कई बार प्रशासन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रभारी मंत्री रामपाल सिंह को कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने डैम को लेकर पहल नहीं की। वादा खिलाफी से किसानों में मौजूदा शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ आक्रोश है, लेकिन किसी ने सुध तक नहीं ली है। यहाँ गाँव सूखे से त्रस्त है, पीने और सिंचाई के लिए पानी नहीं है। इन गाँवों में कल्याणपुरा, कान्याखेड़ी, बेजानाथ, कामखेड़ा, नेमजाखेड़ी, बड़ोदिया, अवतीपुर, पलासी, दिगलाखेड़ी, मुरावर, देवन खेड़ी, मुंडला, करमन खेड़ी, कुरावर, हाजीपुर, गौखेड़ी, हरनाउदा, बावरी सहित एक दर्जन गांव है। सीहोर से अविनाश चौहान की रिपोर्ट। सिंह नाम मेरा। सिंह जी, आप किसान और इच्छा मृत्यु मांगा प्रधानमंत्री से, क्या मामला पूरा? अरे साहब, क्या करे, पानी तो है नहीं हमारे गाँव में। जो जल सरकारिया खेड़ी का है, वो चार चार बार सर्वे हो गया, सब हो गया, लेकिन पानी आज तक किल्लत कितनी पड़ रही है पानी में। दो दो किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं हम। क्या है यह, हमारी जिंदगी चलाना मुश्किल हो रही है यहाँ पे। और आप बता रहे हो कि उनको वोट दो, उनको सब वोट लेते पकड़ आ जाते हैं सरकार, लेकिन आज कोई ध्यान नहीं दे रही है। क्या मतलब है इसका? तब क्या चाहते हैं? ध्यान देना चाहिए आपको। अब मरने के अलावा क्या है हमारे पास? मरेंगे से और क्या करेंगे? आवेदन किससे कहने जाए? शिवराज